इकबाल की एक दुआ बड़ी कमाल की है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जलाल तू के दर दिल दिगर आरजू नदार, कि अल्लाह तेरे जलाल की कसम मुझे और कोई आरजू नहीं, बजुजी दुआ के बख्शी कबूतरा उकाबी। सिर्फ एक दुआ है कि ये कबूतरों को अब ये उकाबी रूह वाली सूरत हाल जो है ये तो मॉडर्न मॉडरेटर नहीं होती। देखिए सब यही बात है कि अल्लामा इकबाल ने जिस नस्ल को टारगेट किया है वो नौजवान है, इकबाल का मुखातिब भी नौजवान है, और जवानों को मेरी आयत है, जवानों को मेरी आयत और जवानों को पीरों का उस्ताद करने की बात। और इकबाल जिस शाहीन बच्चे की बात करते हैं, जिस मर्द आजाद की बात करते हैं, जिस वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद होती है बंदा मोमिन की अजां से पैदा, जो एट्रीब्यूट एक बंदा मोमिन के इकबाल बयान करते हैं वो सुपरमैन के हैं, हैरत अंगेज वजूद के। अब ये जिस दौर में तारीख के हम बस रहे हैं, देखिए इस दौर में कुछ अल्लाह ताला की प्लानिंग है, कुछ एफर्ट हमें खुद करनी है। अल्लाह की प्लानिंग ये है कि ये हमारे नौजवानों को मुसलमान कर रही है, मगरिब की तहजीब खुद मुसलमान को मुसलमान कर दिया, तहजीब मगरिब ने तूफान मगरिब। और क्योंकि अब जो मगरबी तहजीब जो कदम उठा रही है, ये पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम को एक ड्रैकुला के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिस तरह प्रोसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स हो रही है, जिस तरह मुसलमानों को मीडिया में हॉन्ट किया जा रहा है, ये हमारे नौजवानों को मजबूर कर रहा है कि अपने दीन को रीडिस्कवर करें, रेशो देखें, अपने आप को तलाश करें कि हम कौन है, ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। बोस्निया के मुसलमानों के साथ जब जुल्म किया गया, उन बेचारों को तो इस्लाम का पता ही नहीं था। बिल्कुल, उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खूने सद हजार उजुम से होती है शहर पैदा, ये उस वक्त भी हुआ था खिलाफत पहली जंग अजीम के बाद भी, और बोस्निया में भी यही हुआ, बोस्निया में यही हुआ। और बोस्निया के मुसलमान कहते हैं कि हमको तो सर्बियन जुल्म ने मुसलमान कर दिया, हम तो मुसलमान थे। पूरी रास्ते जो ताजिकिस्तान उसने कैसे, तो अब जो हम जो तूफान मगरब बर्पा हो रहा है, हमारे नौजवानों को ये कोने में धकेल रहा है, मजबूर कर रहा है, या तो हम दहशतगर्द बने, खुदकुश हमलावर बने। नौजवान नस्ल इसको भी कबूल नहीं कर रही है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन इस नस्ल के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको घेर कर एक ऐसी जगह पर ले आया है कि अब इसके पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इस्लाम को रीडिस्कवर करने के, अपनी उस मॉडरेशन को डिस्कवर करने के, अपने उस दहशतगर्द फितनागर तकफीरी खारजी मौलवी की कैद से निकलने के लिए। एक तरफ इसको वो एलिगेटर मुंह खोल के बैठा हुआ है, दूसरी तरफ मगरबी तहजीब इसको धकेल रही है। अगर अपने उम्मत को अपने दिफा के लिए आइडियोलॉजिकल नजरियाती सतह पे कोई स्टैंड लेना है तो नौजवान नस्ल को अपने आप को रीडिस्कवर करना है थ्रू कुरान, थ्रू इकबाल, थ्रू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और हम इस वक्त तारीख के एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि इससे खूबसूरत लम्हा पिछले 300 साल की मुस्लिम तारीख में हमें नहीं मिलता कि जब मुसलमान अपने आप को रीडिस्कवर कर सकता है मॉडरेशन पे, एतदाल पे। क्योंकि हम दहशतगर्दी की शक्ल भी देख चुके हैं, मगरबियत की शक्ल भी देख चुके हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, कैपिटलिज्म कोलैप्स कर रहा है, दीन मजहब मगरब में खत्म होकर तबाह बर्बाद हो चुका है, पूरा इंसानियत इस वक्त एक रूहानी आइडियोलॉजी की तलाश में। ये तो एक बुद्ध होता है, यूरोप जाता है, एक दरवाजा खटखटाता, लोगों को बुद्ध कर लेता जी, बिल्कुल ईसाई कर लेता, हिंदू कर लेता, दो और क्योंकि लोग इस कदर तलाश ऐसे वो सारे चमत्कार की तलाश में सारी दुनिया पीछे फिर रही होती है, बनारस में गोरा फिर रहा होता है। और इस्लाम जैसा मजहब जिनके पास हो, जो जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम हो, अगर वो इस पैगाम को डिस्कवर करके उम्मत पे, इंसानियत पे एहसान न करे तो ये बड़ा जुल्म होगा, हम अपनी जानों पे जुल्म करेंगे। बिल्कुल, तो हम एक शास्त्र ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और ये देखें तो इस वक्त जितनी मेरे ख्याल में यूथ की क्वेश्चनिंग और इंक्वायरी है, मैंने अपनी जिंदगी में कितनी नहीं देखी, लेकिन मेरे ख्याल में जो खतरनाक बात है ना शास्त्र, वो है कि जो इंक्वायरी है उसको बताने वाला जो है, वहां पे अगर गलत वैक्यूम आ गया, वहां पे वो अल्लाह का वली ना हुआ, वो बहुत बड़ा आलमिया होगा। नौजवान नस्ल में तड़प है, असाधा नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यूथ खुद अपने जवाब को तलाश कर रही है, खुद अपने सवाल। इस पे एक छोटी सी बात आपसे कहूं कि जैसे डार्विन की थ्योरी है ना, एक डार्विन बुनियादी तौर पे बड़ा नलायक सा बच्चा था, जो कि पढ़ा वड़ा नहीं, एक उम्र 1809 में पैदा हुआ, सैर पे चला गया, 5 साल सैर की एक थ्योरी बना दी। अब गौर कीजिए कि इस थ्योरी के ऊपर जो माइंडसेट हुए हैं कि इंसान की इर्तका हुई कैसे, उस सारे फलसफे से रूह को जुदा कर दिया गया, जितनी मर्जी बड़ी हद। अब इस तरफ अगर देखिए तो हजरत माज जब नमाज पढ़ा रहे हैं तो उसमें बड़े बड़े सहाबा हैं, और आपके पास लिबास नहीं और सतर नंगा हो रहा है जब वो सजदे में जाते हैं, लेकिन नमाज उस वक्त अबू हजरत अबू बकर ने क्या कहा, नमाज वो पढ़ाएगा जो कुरान ज्यादा जानता है। सो हमारे यहां
जो उम्र अव्वल है उसमें आपका जो कुरान का इल्म है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात मुझे एक सूफी की याद, उन्होंने कहा कि सूफी वो है जो उम्र अव्वल में खुदा को तरजीह अव्वल बना ले। अब क्या खूबसूरत बात की, तरजीह अव्वल बना ले, अनलाइक हिंदू जो कि चार हिस्सों में आश्रमों में जिंदगी को तकसीम कर दें। अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हैं तो बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं उस मजलिस के अंदर और वो अपनी अपनी तफसीरें दे रहे हैं और हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ये जो फतेह मुबीन है इसके जरा इसकी तशरी, सब ने ये तशरी की ये फतेह मक्का है, सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे जिन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो मिशन जो है दुनिया में अब खत्म हो गया, ये फतेह मुबीन है। अब इतना नया और ताजा ख्याल लेकर आना कुरान के इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। हम जहां मेरे ख्याल में एक मिसलीड करने की एज पर खड़े हो सकते हैं कि हम अपनी तालीम के साथ वो तरबियत नहीं दे रहे जो इत्तदाल की कुरान में मौजूद है। दिस इज वेयर एवरी टीचर, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, चाहे फिजिक्स, चाहे इंग्लिश लिटरेचर, जो भी पढ़ा रहा हो, उसको बुनियादी तौर पर करेक्टर के ऊपर मैनरिज्म के साथ बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन एक और चीज इसमें हमारे साथ आ गई है, सारे बेसिकली नबी वसल्लम जितना गुस्से, एंगर जो आया, गुस्से के खिलाफ आपने बात की है और एंगर जो आया है, एजिटेशन, उधर बात है हमारे यहाँ जो हालात हैं और जिस तरह वेस्टर्न हमारे पर थॉट का भी और वैसे भी तहजीब का भी गलबा है और हम जिस तरह पिस रहे हैं उसके साथ साथ, उसमें एक एंगर आया है, एक एग्रेशन आई है, ये एग्रेशन चैनलाइज कैसे हो? जबकि इसका ताल्लुक, एंगर का ताल्लुक या अमराज कल्बी का ताल्लुक तज़किया तो नफ्स से है। हमारे यहाँ आप तालीमी निज़ाम देखिए, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर बच्चों को मगरबी वो पढ़ाया जाता है जिससे रोटी कैसे कमाई जाती है, इसके अलावा कोई इल्म वहाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक, पर्पस भी नहीं है। इसके अलावा जो इल्म वो घरों से सीखते हैं या उस्तादा से या मस्जिद में सीखते हैं वो फ़िका का इल्म है, नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, दोनों का रिलेशनशिप टूटा हुआ है। और जो असल इल्म है जिसका ताल्लुक तज़किया नफूस से है, कल्ब से है, जो इंसान के नफ्स के अंदर जो कल्बी बीमारियां हैं जिनका वो इलाज करते हैं, इसका इल्म उसको कहीं से नहीं मिल रहा। तज़किया कल्ब कैसे करना है, कल्ब क्या है, नफ्स हमारा क्या है, नफ्स लवामा क्या है, कल्ब मुनीब क्या है, कल्ब सलीम क्या है, कल्ब शहीद क्या है, अपने अमराज कल्बी को मैंने कैसे देखना, नफ्स को मैंने कैसे काबू करना है, और फिर वो दर्जात के मुसलमान से, मोमिन से, मुत्तकी से, मोहसिन से, सोले, शहीद, सिद्दीक, ये दर्जात मैंने रूहानी दर्जात कैसे पार करने हैं, इसका इल्म कहां से मिलेगा? वो जो मुर्शिद का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट अब माशरे में तकरीबन खत्म होकर रह गया। मुझे एक जिम्मेदारी नबी का सल्लम की जो तीसरी तीन ही थी, तज़किया फरमाना, तज़किया जो है, ये जिस चीज की आप बात फरमा रहे हैं इसका ताल्लुक तज़किया से है। और जब तक आप रूहानी डायमेंशन की तरबियत भी साथ नहीं देंगे, इस फ्रस्ट्रेशन, इस माशरे, इस निजाम में यू विल क्रिएट एंग्री जनरेशन, आप गुस्सा वर एक कौम पैदा करेंगे। मुसलमान के लिए गुस्सा हराम, जलाल हलाल है, लेकिन ये इस जलाल को नहीं, अपने इसको हम जलाल की तरबियत नहीं देते। गुस्सा जो इसके फ्रस्ट्रेशन, इसके एक नाराजगी का इजहार है जो तखरीबी है, नतीजतन ये खुद को शुमलावर भी बनता है। एक जुमला सिर्फ रख करूं कि बुनियादी तौर पे इंसान के अंदर जो 27-28 इमोशंस हैं सारी, अगर इंसान ये कहे ना कि मैं इन सारी इमोशंस के ऊपर कदम रख के तो आगे गुजर जाऊंगा, ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। यहां फिर ये बात, सवाल बड़ा सादा है कि गुस्सा कैसे, लेकिन इसका मेरे ख्याल में जवाब जो है ना वो फिर थियोलॉजी के अंदर ही रखा होगा कि बगैर तवक्कल को समझे आप इसको काबू कर नहीं सकते। एक है खुदा की मर्जी, एक है आपकी मर्जी, इन दोनों में जिस कदर फासला होगा उसका। बीमार अगर दुश्मन भी हो तो उसकी भी तीमारदारी करनी है, लेकिन शायद मगरब ये नहीं जानता था कि ये उसूल उसने सैयदुल अंबिया से सीखे थे कि जिनका नाम रहमतुल आलमीन है। वो रहमतुल आलमीन जिनकी तालीम इस कायनात के लिए पहला मैग्ना कार्टा थी, पहला चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट थी, ला फ़ज़ल अल अरबी अल अजमी, तुम में से किसी अरबी को अजमी कर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। ये अल्फाज तारीख में पहली दफ़ा गूंजे थे। हम क्यों मॉडरेट नहीं हैं? हम हैं, हम इस दुनिया की वाहिद कौम हैं जिनमें तारीख के अंदर कोई सीरियल किलर पैदा नहीं हुआ। हम वो वाहिद कौम हैं जो बहसियत कौम दुनिया की सबसे बड़ी टीटोटलर हैं। जब तक हम अपना नाम खुद रोशन करने के काबिल नहीं होंगे, दुनिया ऐसे ही हमें कहती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।